शर्मा साहब, दो सेक्टर्स पर मैं आप कमेंट लूंगी यहाँ पर, एक तो मेटल्स और दूसरे फार्मा। अगर आप दोनों ही इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखें बीते एक महीने में, तो मेटल अग्रेसिव, बेहद अग्रेसिव सेक्टर को कैटेगरी के होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत सेफ्टी स्पेस में नजर आई है। वहीं अगर फार्मा, जहां पर सेफ्टी के तौर पर जिस स्पेस को देखा जाता था, वो अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया। सिनेरियो बिल्कुल उलट गया है दोनों ही इंडेक्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। एग्जैक्टली दोनों ही सेक्टर्स पर अभी आउटलुक क्या है? जो गिरावट देखिए फार्मा शेयर्स में, वो क्या अभी और एक्सीड कर सकती है, या फिर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी आप देखते हो? और मेटल्स को लेकर अभी आउटलुक क्या है? पहले अगर हम मेटल्स को ले लें, तो मेटल्स के लिए आउटलुक हमारी इस बात का फंक्शन है कि कमोडिटीज किस तरह से बिहेव करती हैं। तो कमोडिटीज क्रूड के चलते हुए उतनी खास बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो प्रोटेक्शन दिया है स्टील इंडस्ट्री को, तो उस हद तक वो जो स्टेप्स हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर ये मेंटेन रहता है, जैसा ये लंबी अवधि के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो उनकी गिरावट है वो यहाँ पे रुक सकती है। फार्मा सेक्टर को अगर देखें, तो फार्मा सेक्टर के अंदर हमने पाया है कि जितने पहले के ज़माने में जितने नोटिस आते थे, वो वार्निंग में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसका वजह यही है कि उन्होंने ऑफिसेज खोले हैं चीन और इंडिया में, जो ज़्यादा एक्टिव हैं। और ऊपर से जो पहले हम जो प्रोक्योर करते जो हम प्रोड्यूस करते थे, वो उतने एक्सपेंसिव और उस लेवल के मॉलिक्यूल्स नहीं थे जितने अब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो पेचीदगी है थोड़ी बड़ी है, और दैट कॉल्स फॉर अ हायर अमाउंट ऑफ सर्वेलेंस फ्रॉम दी यूएस, तो उनकी वजह से ये बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। वो कंपनियाँ जो ज़्यादा जागरूक हैं, अच्छा खर्च कर रही हैं, तो बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे बेहतर आपका परफॉर्मेंस देंगी। और इनके अंदर मुझे सन फार्मा थोड़ा बेहतरीन लगता है, ये देखते हुए कि करंट ईयर के अर्निंग्स के अंदर इसका 50% का वृद्धि आ सकता है। शर्मा साहब, एक और स्पेस जो कि इस अर्निंग सीजन की औपचारिक शुरुआत करेगा, इन्फोसिस। इन्फोसिस पर आपकी राय, या फिर लार्ज कैप आईटी में आपकी राय? और सडनली बीते 10 दिन में ये स्पेस एक इमर्जिंग स्पेस बन के उभरा है, जो ठंडा पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस ने अपने ऑल टाइम हाई को टच को छू दिया, टेक महिंद्रा ने काफी स्ट्रांग मूव दिया, टीसीएस काफी अच्छा खासा अगर आप देखें तो चल चुका है, और सडनली एमएनए एक्टिविटीज जो है यहाँ पर शर्मा साहब काफी एक्टिव हो गई हैं, तो बातचीत करना यहाँ पे काफी जरूरी हो जाता है। लार्ज कैप आईटी पे क्या आउटलुक रखते हैं आप, या फिर मिड कैप आईटी में भी कुछ स्टॉक्स जिनको आप चेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स को शेयर किए हों आप लोगों ने? जी, इस वक्त तो लार्ज कैप पे ही बात करेंगे, और मेरे ख्याल से जो आपने लीडर की बात की है इन्फोसिस, तो वो एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और वो जो विजिबिलिटी उनके जो एमडी हैं, जो उनको है कि हम 8 बिलियन से 20 बिलियन पहुंचेंगे, डॉलर कंपनी बनाएंगे, और अपनी 30% का जो मार्जिन उसको मेंटेन करेंगे, तो ये बड़ी बात है। और ये मैं देख रहे हैं कि वो न सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक्वायर भी कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से उनके पास अभी भी कैश पड़ा है। तो ये हमारे जो अपेक्षाएं हैं उनके अंदर खरा उतरने के चांसेस, जो कॉन्फिडेंस है वो इन्फोसिस में ज़्यादा है, तो उसके अंदर बाकायदा बने रखिए। जो कंपनियां दूसरी कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को एक्वायर कर रही हैं, उनके अंदर थोड़ा रिस्क एलिमेंट जरूर आता है, बिकॉज काफ़ी हद तक एक नया मैनेजमेंट जब आता है, तो वहाँ पे उसका किस तरह प्रकार से आप समन्वय करते हैं, वो एक दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन इन्फोसिस के अंदर रिस्क कम लगता है, और उसके जो छोटे स्टॉक्स में अगर आईटी पे नज़र डाली जाए, तो मेरे ख्याल से पूना की जो कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, वो जिस सेक्टर में काम करती है, स्मैक सेक्टर में, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अभी भी उसके अंदर भी गुंजाइश है 20 से 25% की वृद्धि इस साल के अंदर। जी।